बैंकॉक से मात्र 80 किलोमीटर दूर है स्थित आयुथैया। बुद्धा है मुझ में, बुद्धा है तुझ में, कहाँ है तू बुद्धा की? सारा मेरे मुंह पे भी पानी आ गया। और अब ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी। मैं आ चुकी हूँ इस टाइम सिटी ऑफ आयुथैया में। आयुथैया के साथ थाईलैंड का बहुत ही बड़ा पास जुड़ा हुआ है। यहाँ पे तीन नदियों के थ्रू काफ़ी सारा ट्रेड इस शहर को मिलता था, इसीलिए इसको यहाँ की कैपिटल सिटी बनाया गया। 417 साल तक थाईलैंड की कैपिटल रहने के बाद बर्मीज वॉर में ये डिस्ट्रॉय हो गई, पर इसके रूइंस आज तक थाईलैंड में संभाल कर रखे गए हैं। बैंकॉक से मात्र 80 किलोमीटर दूर है स्थित आयुथैया। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं सिटी ऑफ आयुथैया। हिस्टोरिकल रुइंस ऑफ आयुथैया विजिट करने के लिए एक नॉमिनल सी टिकट है। यहाँ पे 7 to 8 प्लेसेस टू विजिट है। अगर आप उन सबको विजिट करना चाहते हैं तो फॉर अ फॉरनर 220 बाट की अडल्ट की टिकट है। 220 बाट वाली टिकट ले ली और मैं यहाँ से जा रही हूँ रॉयल पैलेस, एंशियंट रॉयल पैलेस को विजिट करने। और अब मैं पहुंच चुकी हूँ एंशियंट रॉयल पैलेस आयुथैया। किंग ब्रह्मोत्रिलोकनाथ 1448 में ये टेंपल मूव करके लोपबुरी रिवर के एडजेसेंट बनाया गया। 417 साल तक ये किंगडम यहाँ पे बसा रहा, सियाम की राजधानी बना रहा, और 14 दिन की घेराबंदी के बाद बर्मीज लोगों ने यहाँ वॉर जीत ली थी और आयुथैया को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और ये है वो रॉयल कोर्ट जहाँ पे 600 साल पहले सारी रॉयल सेरेमनीज सियाम में हुआ करती थी। अराउंड 600-700 साल पहले यहाँ पे राजा राज किया करते थे। और 417 साल तक ये किंगडम चलने के बाद, एक देश के आक्रमण के बाद, ये किंगडम की धज्जियाँ उड़ गई थी, इसको तोड़ फोड़ दिया गया था। बस क्योंकि कैपिटल थी इसलिए थाईलैंड ने इसके रूइंस को बहुत ही प्रॉपरली संभाल के रखा हुआ है। एक एंशियंट सिटी के नाम से ये आज भी यहाँ पॉपुलर है। एंशियंट रॉयल पैलेस के बाद मैं आ गई हूँ वॉट फ्रा श्री सेम्फेट। ये टेम्पल रॉयल पैलेस के बिल्कुल ठीक साथ में बनाया गया है। उस टाइम पे जब कोई भी बुद्धिस्ट सेरेमनी होती थी, वो बुद्धिस्ट सेरेमनीज इस टेम्पल में होती थी। देखने और सुनने योग्य बात ये है, इतनी डिस्ट्रक्शन के बाद भी गौतम बुद्धा की इम्पॉर्टेंट मूर्ति को आँच तक नहीं आई थी। इसे वाकई करिश्मा कहेंगे या मिरेकल कहेंगे यह तो मुझे नहीं पता, पर ये बातें एक बार फिर से हमारा विश्वास डाल देती हैं कि भगवान है और उसका अस्तित्व है। बहुत ही खूबसूरत मेडिटेटिव म्यूजिक यहाँ चल रहा है और लोग इंसेंस स्टिक्स यहाँ पे भगवान की पूजा के लिए जलाते हैं, तो उससे सारा वातावरण इतना खुशनुमा और इतना पीसफुल है कि अगर हम ना चाहें भी ना तो भी मन हमारे मेडिटेशन में लग ही जाए। और अब मैं हूँ विहान फ्रा मोंगखॉन भोपित के सामने। थाईलैंड की सबसे ऊंची बुद्धा की इमेज यहीं इसी मंदिर में है, जो कि 9.55 मीटर हाई है और काफ़ी खूबसूरती से सबसे टॉप पे मंदिर के बिठाई गई है। इस गेट पर डिपिक्शन के थ्रू बताया गया है कि कैसे हमें मेडिटेशन के थ्रू बोधिसत्वा को अटेन करना है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हमें बोधिसत्वा अटेन करने में आती हैं और कैसे कैसे हमें उन्हें ओवरकम करना चाहिए। और 1610 में इस मंदिर की स्थापना की गई थी और बुद्धा की इमेज यहाँ रखा गया था। जो बुद्धा की इमेज है वो यूथोंग और सुखोथाई आर्ट्स दोनों से कंबाइन करके बनाई गई है। और आयुथैया की एक्सप्लोरेशन में मैं पहुँची हूँ वॉत लोक्यसुथा। वॉत लोक्यसुथा रॉयल पैलेस का एक रॉयल टेंपल हुआ करता था। ये कब बना इसका तो कोई आइडिया है नहीं। जब इसके रूइंस को वॉत महाथत, वॉत रच्चा बुराना और वॉत सोम के साथ कंपैरिजन किया गया तो इनके सेम डेटिंग मिली,
इसी से आइडिया लगा कि ये टेम्पल भी अर्ली अयोध्या पीरियड में ही बनाया गया था। बर्मीज वॉर में इस टेम्पल का कुछ भी हिस्सा बचा नहीं सिवाय इस रिक्लाइनिंग बुद्धा के। 37 मीटर लॉन्ग रिक्लाइनिंग बुद्धा आज भी यहाँ मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि 8 फीट ऊंचा बुद्धा का हेड एक लोटस के ऊपर आराम से रेस्ट कर रहा है। और आप वहाँ जब हम वहाँ देखते हैं तो जो बुद्धा की फीट हैं उनकी टोज सारी इक्वल लेंथ की हैं, जबकि एक इंसान की फीट की जो टोज होती हैं सारी इक्वल लेंथ नहीं होती। पर यहाँ पे इसका डिपिक्शन इंसान सब से एक समान है इस चीज़ को समझाने के लिए ये इस तरह का ये स्टैचू बनाया गया। और अब मैं पहुँच चुकी हूँ वॉत फ्राराम अयोध्या। वोत्राराम बनाया था जहाँ पे अवशेष रखे हुए हैं किंग रामा वन के, और इसे बनाया था उनके बेटे किंग रामास्वन ने। तो आइए देखते हैं वोत्राराम। और ये है मेरे पीछे मेन मॉडल ऑफ वोत्राराम जिसके रुइंस अब हम देखने जा रहे हैं। किंग रामास्वन ने 1369 में ये टेंपल एक क्रिमेशन साइट पे बनाया था जो कि किंग यू थोंग उनके फादर की क्रिमेशन साइट, और इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी किंग ब्रोमोत्रेलोकानाथ के रेन में। ये है मेन एंट्रेंस और यहाँ से दिखता है मेन पगोड़ा। और यहाँ बने हुए हैं सारे के सारे स्टूपर्स। के बाद अयोध्या की पूरी सिटी की राइड आप इस बहुत ही प्यारी सी टुक टुक में भी कर सकते हैं। इसको राइड करने के लिए आपको 300 baht पे करना होता है। बार्गेन है यहाँ पे, और 200 baht में भी वो 1 hour की राइड आपको देते हैं, और इसमें वो आप 7-8 डेस्टिनेशन से सब जगह लेकर जाएंगे। तो किसी भी एक जगह तक आपको खुद पहुंचना है और वहां से आप टुक टुक राइड लेके सारी की सारी अयोध्या आराम से घूम सकते हैं। और इसके अलावा एक और ऑप्शन है एलिफेंट राइड की, वो थोड़ी कॉस्टली है और थोड़ी स्लो भी। अगर आप सिर्फ एक डे ट्रिप पे आए हैं कुछ घंटों के लिए तो बेटर होगा कि आप टुक टुक लें रादर देन गोइंग ऑन द एलिफेंट। तो हम पहुंच चुके हैं वोत महातत रॉयल टेंपल है जहाँ पे बुद्धा के रिलिक्स आज भी उन्होंने संभाल कर रखे हुए हैं। द टेंपल इज लोकेटेड ऑन द सिटी आइलैंड ऑफ अयोध्या एंड इट इज सिचुएटेड ऑन द ईस्ट ऑफ द रॉयल पैलेस। जहाँ हम स्टार्टिंग में रॉयल पैलेस पे गए थे तो उसकी ईस्ट में वोत महातत सिचुएटेड है। ब्रोमो महाराजा ने इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी इन द ईयर 1374 और कंप्लीट हुई थी किंग रामास्वन के रेन में 1767 में। जब यहाँ पे अयोध्या में बर्मीज अटैक हुआ था तो ये पूरी की पूरी मिनिस्ट्री में आग लग गई थी और जो पगोड़ा है वो गिरकर टूट गया था। तो ये हम देख सकते हैं कि ये सारा जितना भी जो भी डिके हुआ उसके रुइंस भी यहाँ पे संभाल कर रखे गए हैं। तो अब हम आ गए हैं वोत महातत की उस इम्पॉर्टेंट प्लेस पे जहाँ पे बुद्धा हेड है इन द रूट्स ऑफ अ बोधी ट्री। ये बुद्धा हेड जब ये मंदिर बना था तो एक पूरा स्टैचू था, उसमें से अचानक से ये बुद्धा का हेड गिर के इस बोधी ट्री की रूट्स में जाके बैठ गया। और तब से ये बोधी ट्री आप मेरे पीछे देख सकते हैं कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है और ये बुद्धा हेड वहीं पर इंटैक्ट रखा हुआ है। इसकी बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस इम्पोर्टेंस है और इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे टूरिस्ट और पिलग्रिम्स यहाँ पे आए हुए हैं इसकी पूजा और अर्चना करने। आज से कुछ साल पहले जब मैं बुद्धिज़्म समझने की और फॉलो करने की कोशिश कर रही थी तो मुझे वो लाइंस आज फिर से याद आ गई हैं। बुद्धा है मुझ में, बुद्धा है तुझ में, कहाँ है तू बुद्धा की खोज में। और वाकई ये बात एकदम सच्ची लगती है जब हम ऐसी किसी जगह पे आते हैं जो वाकई पावन और पवित्र हो और जहाँ हर तरफ बुद्धा हो। मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ बुद्धिज़्म से, मैं बुद्धिज़्म के बारे में बहुत पढ़ने की कोशिश करती हूँ
और तो कोशिश में तो हूँ कि मैं फॉलो कर पाऊँ बुद्धिज़्म, पर ठीक है, आई बिलीव दैट एनी रिलीजन दैट गिव्स अस समथिंग नाइस, जो हमारे लिए और हमारे साथ जितने भी हैं उनके लिए अच्छा हो, तो वो लेते जाना चाहिए। जिस रिलीजन की जो चीज़ अच्छी हो प्लस वो सबके बेनिफिट की हो, सिर्फ हमारे बेनिफिट की ना हो, तो वो रिलीजन हमें फॉलो करना चाहिए। अयोध्या एक्सप्लोरेशन में अब हम पहुँच चुके हैं वॉत रच्चा बुराना। ये टेम्पल किंग सैम फ्राया ने क्रिमेशन साइट पे बनाया था अपने दोनों बड़े भाइयों की, चाओ ए एंड चाओ यी। तो ये है मेन पगोड़ा की एंट्रेंस ठीक मेरे पीछे, और उसी के ठीक पीछे जब हम पहुंच जाते हैं तो वहां है मेन पगोड़ा। तो आइए जाके देखते हैं मेन पगोड़ा एट वॉट रच्चा बुराना। वो है मेन पगोड़ा। और अब मैं पहुंच चुकी हूं वॉट थामीकरत। वॉट थामीकरत मॉनेस्ट्री बनाई थी फ्राया थामीकरत ने, जो कि किंग नॉम संगयुन के बेटे थे। ये एक एक्टिव मॉनेस्ट्री है जहां मॉन्क्स आज भी रहते हैं। तो आइए देखते हैं वॉट थामीकरत। और ये एक एक्टिव मॉनेस्ट्री की तरह आज भी ऑपरेशनल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूजा की सामग्रियाँ पूरी तरह से मिलती हैं, और यहाँ पे मॉन्क्स भी हमें देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पे रिजाइड करते हैं। बुद्धिज़्म बिलीव करता है कि जब हम लाइफ और डेथ के सर्कल में फंसे होते हैं या इससे बाहर निकल रहे होते हैं, तो हमारे साथ तीन एनिमल्स हमेशा जुड़े रहते हैं। उनमें से एक है रूस्टर, और दूसरी बात, वो सुबह जागने को जीवंत करना माना जाता है। तो हमें जीवंत करने के लिए जो एक छोटी सी स्पार्क की ज़रूरत होती है, वो हमें रूस्टर देता है। और इसीलिए रूस्टर की इतनी मेजर इम्पॉर्टेंस है अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म। पगोड़ा की एंट्रेंस पे आप ये देख सकते हैं वो बने हुए नागा स्नेक्स। वो तो थी रुइंस, और ये है आज की मॉनेस्ट्री, जहाँ पे एक्टिव मॉनेस्ट्री है ये, और यहाँ पे मॉन्क्स रिजाइड करते हैं और मेडिटेशन करते हैं। और यहाँ पे फिर से एक बार है रिक्लाइनिंग बुद्धा की काफी बड़ी मूर्ति। काफी वॉट मययोंग, इसको बनाया था ब्रोमो महाराज तीरथ सेकेंड ने 1438 में। इस मंदिर में एक है ऑर्डिनेशन हॉल और है स्तूपा। आप देख सकते हैं कि ये जो पिलर्स हैं इनके ऊपर लोटस मोटिव से डेकोरेशन की गई है, और ये जो रास्ता है ये रॉयल किंग्स यूज़ करते थे अंदर ऑर्डिनेशन हॉल तक जाने के लिए। तो आइए हम भी रॉयल फैमिली की तरह उस ऑर्डिनेशन हॉल तक जाने के लिए ये रास्ता इस्तेमाल करते हैं। तो ये है सामने ऑर्डिनेशन हॉल, और ये है उसका कॉरिडोर। 1438 में इस मंदिर का निर्माण हुआ, दोबारा से इसकी रिस्टोरेशन 1711 में हुई। तो अयोध्या से निकलने के बाद लंच के लिए मैं रुकी हूँ जहाँ, ले चलती हूँ आप सबको वहाँ। तो ये है वो जगह जहाँ पे मैं लंच के लिए आई हूँ। आप देख सकते हैं कि बैक वाटर्स पे एक स्पेशली फूड कोर्ट क्रिएट की गई है, ये देखिए आप मेरे पीछे, आप देख सकते हैं टोटली बैक वाटर्स हैं, कोई लेक नहीं है, और इसी पे ये फूड कोर्ट क्रिएट करके बहुत ही खूबसूरत सी फूड कोर्ट बनाई हुई है। कम्प्लीटली लोकल फूड है यहाँ पे, थाई फूड मिल रहा है, या तो आप सैलड्स ले सकते हो या आप राइस नूडल सूप ले सकते हो। एक ही स्टॉल है जो चिकन सर्व करता है, और मैं वहाँ पहुँच गई और वहाँ पर मैंने लिया है राइस नूडल सूप विद चिकन।
नज़ारा देख सकते हैं, कितना खूबसूरत है। इतनी प्यारी हवा चल रही है, यहाँ बैठने का मज़ा आ गया। और आप ये देखिए कि यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी फिशेज हैं। उन्होंने एक स्पून डाला है फिश फूड का। इतनी बुरी तरह से वो कूदी है कि सारा मेरे मुंह पे भी पानी आ गया। और वो आ गया है हमारा राइस नूडल सूप विद चिकन। तो ये है वो सूप, और अब इसको खा के हम आपको बताएंगे या पी के हम आपको बताएंगे कि कैसा लगा। राइस नूडल्स तो बहुत ही टेस्टी है। और सूप भी बहुत टेस्टी है। राइस नूडल्स हैं इसमें, चिकन है और स्प्रिंग अनियन है। गार्निशिंग के लिए इसमें रोस्टेड गार्लिक है, कुछ थाई हर्ब्स हैं, और आई थिंक ये कुछ कोई रूट है, या तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या है। और ये कुछ कोई रूट है, या तो ये रेडिश की रूट कुछ है या sort क्या है? हाँ, सॉर्ट ऑफ कुछ ऐसा ही है।